रेवाड़ी में एक फैक्ट्री में शनिवार शाम को बॉयलर फट गया, जिसमें 40 से ज्यादा कर्मचारी झुलस गए। इसमें 19 गंभीर कर्मचारी रोहतक पीजीआई के लिए रेफर किए गए हैं, बाकी का रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घायलों के इलाज में कोई लापरवाही ना बरतने और मामले की जाँच के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जाँच निश्चित समय अवधि में पूरी कर रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। सीएम ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने हादसे पर दुख प्रकट किया और घायलों को पूर्ण रूप से इलाज मिले इसके लिए जिला उपायुक्त को निर्देश दिए हैं। शनिवार शाम करीब 7 बजे रेवाड़ी के धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में रोजाना की तरह कर्मचारी काम कर रहे थे, अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस दौरान 10 किलोमीटर तक धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। इस घटना में 50 से ज्यादा कर्मचारी झुलस गए हैं। फैक्ट्री में ब्लास्ट की सूचना के बाद कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई, साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गई। एक एक कर झुलसे हुए कर्मचारियों को बाहर निकाल कर ट्रॉमा सेंटर और अन्य अस्पतालों में ले जाया गया। कर्मचारी इतने झुलस चुके थे कि वह स्ट्रेचर पर भी नहीं लेट सकते थे। दर्द से कराते हुए वह पैदल चलकर इमरजेंसी तक पहुंचे। सिविल सर्जन सुरेंद्र यादव ने बताया कि कर्मचारियों को बर्न इंजरी हुई है, कुछ को धारूहेड़ा स्थित प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, दूसरे अस्पतालों को अलर्ट भी जारी किया गया है। करीब 40 कर्मचारियों के झुलसने का अनुमान है। ये धारूहेड़ा में एक जो है ना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है। और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी। वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफर करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई जरूरत हो। पता यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन भी सारी टीम के साथ लगी हुई है, उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफर कर चुके हैं, अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे, और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। और देखो एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे गए मैं नहीं कह सकता, लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टिमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं जो टोटल प्राइवेट। नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एक सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आया था, हमने उनको रेफर कर दिया PGI में, अभी वो एडमिट हो गया, स्टेबल है वहाँ।